पापा आपके लिए? आज क्या है जो पापा आपके लिए केक लाए हैं? नाइफ, चक्कू। अच्छा बताओ ना, आज क्या है जो पापा आपके लिए केक लाए हैं? आज डॉटर्स डे है। आज वेरोनिका का दिन है, है ना? रोनी तो हमारी अभी हैप्पी टूटू करोगी। रोनी तो हमारी कितनी क्यूट है ना, हमारी क्यूट क्यूट डॉटर है, इसलिए हम उसके लिए केक लाए हैं। वो भी रोनी का फेवरेट। कौन सा कॉक केक है ये? ब्लैक वाला। रोनी को अपने गाइस को तो बता दो, आपको चॉकलेट केक बहुत पसंद है। आपका फेवरेट है? वाओ, अब आप पापा के साथ केक काटोगे, है ना? और रानी, वाओ। काट लो, अच्छे से काटो। ये हमारा पापा था शेर पुत्र। हाँ, दूसरे वाले भी काटो। ऐसे पकड़ो। वाओ, इतना सुंदर, इतना टेस्टी है। चॉकलेट टेस्टी है। मम्मा खिला दो, मम्मा जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो रोनी की चॉकलेट्स। अपने गाइस से पूछ लो, खाओगे? केक खिला दो, केक खिलाओ। ये लो गाइस, ये आप लोगों के लिए रोनी की तरफ से केक। हो गिर गया। लव यू। हैप्पी लोटस डे। मम्मा को खिला दो मम्मा को भी। ये पेस्ट्री ना सारी खुद ही खा जाएगी, ये किसी को नहीं खिलाने वाली। चलो देखो इसकी शक्ल, दिखाना अपनी। रोनी, आपको चॉकलेट केक पसंद है? बहुत पसंद है ना? अच्छा, न्यू व्लॉग बना रही हो। गाइस देखो, ये मेरे को तो वीडियो में आने नहीं देती, तो मैं सिर्फ बोल सकती हूँ आज क्या हुआ। मैं तो काम में इतना बिजी थी और इस मैडम ने मुझे आके बोला कि मम्मा मेरा व्लॉग बना दो, तो मैं आ गई फ़ोन लेके। मैंने कहा चलो ठीक है, इसका व्लॉग ही बना देते हैं आज। और इस शैतान ने देखो इतनी सारी लिपस्टिक लगा रखी है, इतनी सारी लिपस्टिक है, देखो
सारी इसने मम्मा की लिपस्टिक खराब कर दी है अपनी, है ना। और सुबह से मैं काम में बिजी थी तो इस लड़की ने खाना नहीं खाया और अब जाके ये खाना खा रही है। 2 o'clock हो रहे हैं। बस अब ये लेके बैठ गई है सूटकेस। मुझे तो आज इतना काम है क्योंकि पहले सुबह सुबह हम लोगों ने अमावस करी और उसके बाद मुझे अपने घर के बहुत सारे काम थे और उस बीच आके मैडम जी ने मुझे कह दिया कि मेरा व्लॉग बनाओ और अब हम तैयारी कर ली है इसका व्लॉग बनाने की, है ना। हाय गाइस, आज मैं आई हूँ रोनी के कहने पर व्लॉग बनाने में क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था आज फ़ोन हाथ में उठाने का कि मैं कैमरा हाथ में लूँ और मैं वीडियो बनाऊँ। तो आज मैं रोनी के कहने पे आई हूँ और रोनी देखो अपनी मस्ती करनी चालू हो गई है ऊपर आके। आज ये नहाई भी लेट है और इसने खाना भी लेट खाया है। इतने दिनों से बारिश हो रही थी, कुछ काम नहीं हो पा रहा था, कपड़े नहीं धुल पा रहे थे। सोचा आज मौसम थोड़ा सा खुल गया है, बारिश ख़त्म हो गई है, धूप निकल आई है तो आज मैं बड़ा खुश थी कि चलो आज कपड़े धोने को फाइनली मिल जाएगा। इतने दिन से तो मैं सोचती रहती थी यार कब बारिश बंद हो, कब मैं अपना काम करूं, कब मैं कपड़े धोऊं। और आज फाइनली धूप खिल के निकली है, कपड़े सारे धुल चुके हैं और आज वैसे भी काम तो बहुत ज़्यादा होना ही था, अमावस है और कल से नवरात्रे शुरू हैं और नवरात्रों में तो आपको पता ही है कि घर की सफाई साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। सब कुछ इंसान सब कुछ साफ़ सुथरा करके घर को उसके बाद ही फास्टिंग की अपनी तैयारी करता है। और मंडे है और घर के कामों में हालत देख लो हमारी क्या हो जाती है। सच में घर में रह के इतने सारे काम होते हैं करने के लिए, हमें तो ऐसा मतलब कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और अब ये फेस्टिव सीज़न जो शुरू हो गया है, फेस्टिवल शुरू हो गया है, नवरात्रि से जो फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं सारे के सारे, तो हम सोचते हैं कि चलो जी सारी तैयारी कर ली जाए, है ना भाई। रोनी के स्कूल में फंक्शन भी होगा, मैंने इसकी मैम से पूछा था कि कब फंक्शन है तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी 27 तक जो है वो बच्चों के पेपर चल रहे हैं, उसके बाद बच्चों के पेपर ख़त्म होंगे फिर हम दशहरे की फंक्शन करेंगे दशहरे का। तो रोनी फर्स्ट टाइम कुछ बन के जाएगी और इसको हम देखते हैं क्या बना के भेजेंगे, इसकी मैम क्या बोलती है इसको क्या बना के भेजना है ना। कल तो रोनी स्कूल जाएगी, है ना। कल रोनी का रोई रोई डे है। नहीं, चुप होने का डे है। रोनी रोती नहीं ना अब स्कूल जाती है तो? बिल्कुल नहीं रोती ना। गाइस देखो रोनी बहुत गुड गर्ल हो गई है, अब ये बिल्कुल नहीं रोती है। ये बस जब इसको छोड़ती हूँ ना थोड़ी देर, ये तभी रोती है। और मैं इसको स्कूल छोड़ने के बाद मैं घर नहीं आती हूँ, मैं चली जाती हूँ अपनी हॉबी पूरी करने, अपना वर्कआउट करने। थोड़ा सा गेन हो गया वेट बहुत ज़्यादा तो सोचा रिड्यूस कर लिया जाए, है ना। रोनी के हिसाब से पापा सुबह उसके स्कूल चले जाते हैं अपने, जब उसकी मम्मा उनको लंच पैक करके दे देती है फिर रोनी की बारी आती है, रोनी अपने स्कूल चली जाती है, मम्मा उसका भी पराठा पैक करके दे देती है, फिर रोनी की मम्मा की बारी आती है, रोनी की मम्मा भी अपने स्कूल चली जाती है, फिर रोनी की मम्मा जब वहाँ से वापस आती है तो रोनी को लेती भी आती है, है ना, है ना। हाँ अच्छा, रोनी के पापा कहाँ गए हैं? स्कूल गए हैं। देखो रोनी के पापा ऑफिस नहीं गए, रोनी के पापा स्कूल गए हैं, है ना। पापा लंच भी लेके जाते हैं, है ना, रोनी भी जाती है, पापा भी नहीं रोते और रोनी भी नहीं रोती और रोनी की मम्मा भी नहीं रोती। ये मेरा छोटा सा बेटा है, पारा सा। ये इतनी पारी बात करता है मेरे से, इतना सुन्नल मेरा बेटा है, इतना सुन्नल मैं कहाँ बताऊँ, है ना। और देखो गाइस रोनी ने ना, देखो इसके लिप्स दिख रहे हैं कैसे इसने ना क्या किया, जो
मेरा मेकअप का पाउच होता है ना, उसमें लिपस्टिक रखी है, तो इसमें वो लिपस्टिक देखो अपने लगा ली कि मुझे लिपस्टिक लगानी है। ये इतना शरारती है, इतना शरारती गुंडा बच्चा है मेरा, मैं क्या बताऊँ। ये इतनी शरारतें करता है और ये पिटता भी है मुझसे, बहुत बढ़िया वाला। नहीं पिटती है ना, नहीं पिटती ना, रोनित इज अ गुड गर्ल। अच्छा व्लॉग में बताओ तो सही, आज मैं स्कूल गई थी। आज नहीं गई थी, आज संडे है, कैसे जाती है स्कूल? आज संडे है। हाँ आज छुट्टी थी, आज स्कूल की छुट्टी है। हाँ और हम जाएंगे कल स्कूल। हम आप जाएंगे कल स्कूल। अच्छा ठीक है, और मैम कितना प्यार करती हैं आपको? बहुत सारा, बहुत सारा। रोनी स्कूल में करती क्या है? शरारती। शरारते और की करती है मैम को, बच्चे करते हैं मैम को परेशान, रोनी नहीं करती। रोनी तो बिल्कुल परेशान नहीं करती मैम को, है ना, है ना। चलो अब मैं रोनी की मस्ती दिखाती हूँ थोड़ी सी, है ना। रोनी मस्ती करेगी अब, खेलेगी, क्योंकि मेरी लगी है मशीन, मुझे धोने हैं कपड़े। अभी दोपहर हो गई है, अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है, उसके बाद मैं खाऊंगी पीऊंगी, फिर मैं इसको लेके जाऊंगी इसकी मिमी के घर, बहुत दिनों से ये नहीं गई है, और उसके पास भी जाना है।